सो हे गाइस, मैं अरमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेट गेन के ऊपर। स्किनी तो मैं भी पहले था, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे में फ़र्क पड़ा है। तो ये वो वैसे मैंने वेट गेन किया कैसे यार? घर पे ही जो खाना मिलता है यार, उन्हीं को एक लिमिट डाइट में खाने से हमें हर खाने से इतना प्रोटीन मिल जाता है कि हमें अब बाहर से कोई सप्लीमेंट या फिर कोई मेडिसिन वगैरह जो मिलती हैं वेट गेन के लिए, उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे फर्स्ट वन खाने की अब बात करते हैं, तो पहले आता है योगर्ट। सभी के घर में योगर्ट तो मिल ही जाता है, और हर कप में करीब 23 ग्राम प्रोटीन होता है। 23 ग्राम, कोई सोच सकता है 23 ग्राम लाई कप में ही मिल जाएगा? तो घर में अगर इतना खाना मिल रहा है तो वेट गेन तो इजीली हम कर सकते हैं। तो सेकंड में आता है बीन्स, चिकन बीन्स और एक और ब्लैक सीड्स। तो 1/4 कप में 4 ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाएगा इनमें से। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है। तो डेली में अगर हम एक भी कप खाएंगे तो हमारे लिए डेट इज़ सफिशेंट। तो नेक्स्ट आता है चीज़। चीज़ तो हम सभी खाते ही हैं, और मैक्सिमम ही 2 या 3 बार तो खा ही लेते हैं। तो 14 ग्राम प्रोटीन उसमें मिलता है आधे कप में। तो आधे कप में अगर 14 ग्राम खून मिल ही जाएगा प्रोटीन, तो बेनिफिट तो है, क्योंकि उसकी वजह से भी हमें ईजिली वेट गेन होता है। तो नॉर्मली हमें पहले एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि हम जो स्किनी लोग हैं वो अपना वेट गेन ऐसे ही नहीं भी बढ़ा सकते कि जैसे दुनिया होती है कि बस मोटे हो रही है, तो वैसे नहीं हम हो सकते। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने से हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होंगे वो फट जाएंगे, और फटने की वजह से जब वो रात को हम सोते हैं तब वो रिपेयर होते हैं। रिपेयर की में अगर तो हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे रात के टाइम, तो वो जितना प्रोटीन होगा वो सारा सारा टिश्यूज़ में जाएगा, और उसी की वजह से हमारा वेट गेन होगा। तो वैसे तो हमारा होने से रहा। तो नेक्स्ट आता है लेटिन। लेटिन में होता है 4 ग्राम प्रोटीन 1/4 कप में, वो भी पके हुए। तो इजीली आप इनको भी अक्वायर कर सकते हैं आप लाइफ में। चिया सीड्स 3 ग्राम प्रोटीन 1 टेबल स्पून में। तो नेक्स्ट में आते हैं एडमम, तो 5 ग्राम प्रोटीन 1/4 कप में। तो नेक्स्ट में आते हैं ग्रीन पीस, 8 ग्राम प्रोटीन पर कप। सोचो कितने ज़्यादा प्रोटीन है, घर में इतना मिल रहा है तो बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है। तो नेक्स्ट में आता है पीनट बटर। पीनट बटर वैसे बेस्ट रहे तो रहेगा पेंटोला का, क्योंकि वो इजीली एक तो मिल भी जाता है, और साथ ही साथ वो प्राइस भी उसका काफ़ी सही है, तो आप इजीली बाय कर सकते हो। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसे परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट में आते हैं आलमंड्स। आलमंड में होते हैं 3 ग्राम प्रोटीन सिर्फ आलमंड। तो नेक्स्ट में आते हैं ओट्स। ओट्स होते हैं 11 प्रोटीन, हर पैकेट में ले लो इजीली आपको 11 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट में आता है कैश्यू। कैश्यू तो हम सभी खाते ही रहते हैं, तो 18 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है, और वो भी सिर्फ आधे कप में। तो दैट इज़ बेनिफिट, हम सभी के लिए फ़ायदेमंद ही है ये सब। तो ये तो हो गया सिर्फ वेज। जो लोग एक तो शाकाहारी है और जो मेरे तरह है नॉनवेज सभी, तो उनके लिए एग एग हमारा नॉर्मल रूटीन में वैसे भी चलता ही है। तो 14 ग्राम प्रोटीन पर एग, 14 ग्राम मिलता है, खुद ही सोच लो। अगर हम डेली के 2 भी खाएं तो हमारे लिए काफ़ी है। एक्सरसाइज के बाद अब रात के टाइम या जैसे या तो नेक्स्ट डे सुबह वॉक कर लें, तब भी आपको ये इसका बेनिफिट ही होगा, इसका नुकसान तो नहीं है। इजीली आप इसे वेट गेन कर सकते हैं। सेकंड आता है चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट में होता है 25 ग्राम प्रोटीन 1 चिकन ब्रेस्ट में। तो नेक्स्ट में आता है सलमन सर टूना, तो 25 ग्राम बाउल इजीली मिल जाएंगे, और हफ्ते में हम 2 या 3 बार तो खा ही लेते हैं, और एग्स तो डेली का ही काम है। तो इन खाने की वजह से आप अपना इजीली वेट गेन कर सकते हो। और जिनको भी प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा स्किनी हैं, तो एक तो पहले मेरे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा लूज करे होते थे, तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो पहले एकदम मैं सूखा सा हो गया था, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने वेट गेन के ऊपर काफ़ी कुछ सर्च किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। तो घर पे मुझे मेरी मोम ने सजेस्ट किया था कि ये चीज़ें ट्राई करो, तो इनकी वजह से आपका इजली वेट गेन हो सकेगा। तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ भी एक बार शेयर कर दूँ।
तो अब कुछ बात तो पता चल गई कि नॉर्मल खाना जो हमें घर पर भी मिलता है उनकी वजह से हम इजीली वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन बिना एक्सरसाइज के हम हमारा वेट गेन नहीं करवा सकते चाहे कितना भी कोशिश कर ले। वैसे हमारे वेट गेन के लिए प्रोटीन ही ज़रूरी है, तो लिस्ट पूरी पूरी आपको दिखाती है। तो आप जितना चाहे उतना जो आपको इजली खाना मिल सके इजली आप परचेज कर सको आप उसे ट्राई करिए और डेली रखिए। जैसे कम से कम आपको 25 ग्राम तो प्रोटीन डेली का लेना ही है। नॉर्मली जो हम सप्लीमेंट्स भी खाते हैं ना उनमें भी पता एक स्कूप लेते हैं और 25 ग्राम से इजली उसमें मिल जाता है, तो इससे अच्छा घर से जो खाना मिल रहा है हम उसी से आप प्रोटीन बना लें कि हमें बाहर के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो बाकी वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अब और वेट गेन करने के लिए हम और ज़्यादा खाना या फिर वेट लॉस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टे सेफ गाइस।